प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप सोच सकते हो कि बीरबल आखिर कौन सा फल लेकर महाराज के सामने गए होंगे? तो चलिए अब इसी कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुद्धि की खेती। तो बच्चों, आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बीरबल को महाराज अकबर के सामने बुद्धि का फल लेकर जाना था। सभी दरबारी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर दरबार में बीरबल के आने का इंतजार कर रहे थे। और तभी अचानक बीरबल अपने दोनों हाथों में मटके लिए हुए चले आ रहे थे। बीरबल के दोनों हाथों में बुद्धि के फल की जगह मटके देखकर सभी दरबारी और महाराज अकबर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कैसा बुद्धि का फल है। तो महाराज अकबर ने बीरबल से पूछ ही लिया कि ले आए बुद्धि के फल? तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, आप देखिए तो जरा कि मैं कौन से बुद्धि के फल लाया हूं। फिर बीरबल बोले, महाराज, ये बुद्धि के फल बड़े ही नाजुक हैं। याद रहे कि इन मटकों में से फल निकालते समय ध्यान रखिएगा कि ना तो बुद्धि का फल कटे और ना ही मटके फूटे। यह सुनकर बादशाह अकबर हैरान थे और उन्होंने तुरंत मटके में झांक कर देखा तो वे जोर जोर से हंस पड़े। अब सभी जानना चाहते थे कि मटकों के अंदर ऐसा कौन सा बुद्धि का फल है। तो बच्चों, क्या आप गैस कर सकते हो कि मटके के अंदर कौन सा फल होगा? तो बच्चों, मटके के अंदर था कद्दू, जिसे बीरबल ने राजमाली से कहकर पहले ही मटके के अंदर रखवा दिया था। और मटके के ही अंदर धीरे धीरे वो बड़े होते गए और बुद्धि के फल के रूप में बीरबल ने उन्हें दरबार में पेश कर दिया। अब बीरबल की बुद्धिमानी से महाराज अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारे इनाम भी दिए।